हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी सेकंड चैप्टर युवाओं से। तो यू हैव टू फोकस, मेन फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर बिकॉज दैट चैप्टर इज लिटिल बिट टफ। वर्ड्स आर हार्ड। सो स्वामी विवेकानंद का किन पर विश्वास? स्वामी विवेकानंद का विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है। कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? निस्वार्थी व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है। किस शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी? इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी। तो दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन आंसर विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर। असंभव को संभव बनाने वाली चीज क्या है? असंभव को संभव बनाने वाली चीज प्रेम है। सो यू कैन राइट वन ऑल्सो लाइक प्रेम, यू कैन राइट इच्छा शक्ति, मीन्स वन वन वर्ड ऑल्सो यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। इफ यू डोंट हैव टाइम, नो नीड टू राइट फुल आंसर, जस्ट वन वर्ड यू कैन गिव। दिस क्वेश्चन नंबर फोर इज इम्पोर्टेंट, फोर एंड फाइव। असंभव को संभव बनाने की चीज क्या है? प्रेम। कमजोरी किसके समान है? कमजोरी जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है? वह नास्तिक है। कमजोरी किसके समान है? मृत्यु। सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना चाहिए? मजबूत। प्रत्येक आत्मा क्या है? अव्यक्त ब्रह्मा। नवयुवकों पर किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? नवयुवकों को पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। तो टोटल 10 क्वेश्चन आंसर दिए, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नो नीड। सो इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट फास्टली। क्वेश्चन है सर, भारतवर्ष का पुनरुत्थान कैसे होगा? सो अगेन हाउ वी कैन दिस वन कम, कैसे पुनरुत्थान होगा? सो यू हैव टू राइट, कितना लिखना है हमको? इतना थ्री लाइन इज इनफ फॉर थ्री मार्क्स, थ्री और फोर लाइन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से होगा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा से नहीं बल्कि शांति प्रेम और ध्वजा से होगा। हमारी यह वृद्ध भारत माता पुनः एक बार जागृत होकर सिंहासन होकर अपने सिंहासन पर पूर्ण वैभवता के साथ विराजमान होगी। सो क्या बोले, कैसे पुनरुत्थान होगा? हमारे नॉट फ्रॉम आवर फिजिकल पावर, जो फ्रॉम आवर सोल पावर, आवर इनसाइड पावर से ही जो है उसका पुनरुत्थान होगा। तो
स्वामी विवेकानंद के त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी की क्या विचार है, तो दैट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा क्या है, मेन क्या है आदर्श त्याग और सेवा। तुम काम में लग जाओ फिर देखोगे इतनी शक्ति आ गई कि तुम उसे संभाल नहीं सकोगे। दूसरे के प्रति सोचने से वह काम करने के भीतर की शक्ति जाग उठती। व्हेन यू विल डू फॉर अदर्स, जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो हमें एक अजीब सी शक्ति आज यू विल गेट सम पावर, स्पेशल पावर। धीरे धीरे हृदय में सिंह का बल आ जाएगा एंड यू विल गेट द पावर ऑफ लॉयन, मतलब सिंह के जैसे बल हो जाएगा। दुखिया को दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे। तो मेनली क्या कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा क्या है, त्याग और सेवा। तो हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हम जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तभी हमको एक अलग प्रकार से हमको शक्ति मिलेगी। स्वदेश भक्ति के बारे में विवेकानंद जी का क्या आदर्श है, तो यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, इफ यू नॉट राइट दिस वर्ड्स आर लिटिल हार्ड फॉर यू पीपल, सो यू कैन राइट योर ओन आंसर ऑल्सो यू कैन राइट। स्वदेश भक्ति के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि बड़े काम करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है। तो वी नीड फॉर बिग वर्क नीड टू थ्री थिंग्स, बुद्धि विचार शक्ति और हृदय की महाशक्ति, ब्रेन थॉट्स एंड अवर दिस वन अवर पावर। अतः युवकों को चाहिए कि हृदयवान बने। यदि युवकों ने जान लिया कि भारत के अपने गरीब दीन बंधुओं की कई समस्याएं हैं तो समझ ले कि यही देशभक्ति की प्रथम सीढ़ी। व्हेन यू अंडरस्टैंड फॉर देम फर्स्ट देन ओनली यू आर द देशभक्त। देशभक्ति का पहला पाठ है स्वदेश हितैषी होना। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यू हैव टू हाउ स्वदेश भक्ति, सबसे पहले क्या करना है, अपने देश के बारे में वी हैव टू थिंक एंड लव आवर कंट्री, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर पीपल, हमारे जो गरीब लोग हैं हमें अगर हम अगर उनको समझ गए तो ही ये क्या है, समझ लो आप देशभक्ति प्रथम सीढ़ी में हो। तो यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो इन योर ओन वर्ड्स। सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी जी के क्या विचार हैं। सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी जी कहें, मैं सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ एंड यू हैव टू फॉलो ऑल द रिलीजन्स, उन सबको पूजा करता हूँ मैं, उनके प्रत्येक ईश्वर की उपासना करता हूँ, वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊँगा, मैं ईसाइयों की गिरजा क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूँगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा को शरण में लूँगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूँगा और हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तो मेन आप कैसे लिख सकते हो कि मैं सभी धर्मों को मानता हूँ और नो नीड टू रेड दिस मच बिग आंसर, और मैं सब धर्मों की पूजा करता हूँ, मुस्लिम लोगों की मस्जिद जाता हूँ, ईसाइयों ही इज फॉलोइंग, क्रिश्चियन ऑल्सो, हिंदू मुस्लिम बौद्ध एवरीथिंग ही इज फॉलोइंग एंड हिंदूज ऑल्सो ही इज फॉलोइंग। तो ये है सर्वधर्म सहिष्णुता की, मैं सभी भले एवरीवन गॉड इज लुकिंग डिफरेंट बट एवरीवन इज सेम, दैट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। शिक्षा के बारे में स्वामी जी विवेकानंद जी के क्या कहते हैं, तो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट।
शिक्षा की विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया जाए। तो पढ़ाई क्या है, शिक्षा क्या है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो फोर्सफुली वी कैन पुट इन माइंड, और जो आत्मसात हुए बिना जो जहाँ आजन रहकर गड़बड़ बचाया करता है। हमें उन विचारों को अनुभूति करना चाहिए। तो वी हैव टू फॉलो द थॉट्स, हमको क्या करना चाहिए, विचारों को अनुभूति मतलब फील, वी हैव टू फील, हमको उनको समझना है, ना कि हमको किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ने से क्या होता है, जो जीवन निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक है। यदि केवल 5 ही परखे विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो हमें पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने की अपेक्षा अधिक शिक्षित है। तो ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी। सो क्या कह रहे हैं विवेकानंद जी कि जो शिक्षा है कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दिमाग में भर दी जाए। तो हमें ऐसा चाहिए, हमें अच्छे विचार को फॉलो करना चाहिए, हमें अच्छे थॉट्स को अपने जीवन में फॉलो करके या एक्सेप्ट करके या उसको आत्मसात करके हमें अपना जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण, वी हैव टू मेक अवर लाइफ एंड कैरेक्टर। एंड तो इफ यू आर फॉलोइंग ओनली 5 थॉट दैट इज इक्वल टू फुल लाइब्रेरी टू रीड द लाइब्रेरी, मतलब जो अगर हम अच्छे 5 विचारों को भी अपने जीवन में ले आते हैं तो वो किताबों पढ़ने से अच्छा है कि आप थॉट को या विचारों को अपने जीवन में लाएं, जिससे आपका जीवन और चरित्र निर्माण होता है। तो ओनली 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन नो नीड, सो दिस 5 इज देयर, दैट लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड फर्स्ट दिस वन सेकेंड वन। सो इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट।